वेल स्टूडेंट्स, अभी मैं बात करूँगा यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के लिए। ठीक है, देखो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक हिसाब से पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। और इससे बनने वाला जो एक रीज़न होता है, स्पेशल टॉपिक है, जिसको हम डिफ्लेक्शन रीज़न बोलेंगे, मीन्स अवक्षय परत का बनना क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सो बेसिक थिंग इज़ दैट अगर हम शुरुआत में सबसे पहले जानेंगे कि पीएन जंक्शन एक्चुअली होता क्या है, सो पीएन जंक्शन डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का एक प्रकार का होता है, एंड हुज वन साइड हैज़ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, जिसके एक हिस्से में एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती हैं और दूसरे हिस्से में इसके डोनर इम्प्योरिटीज़ समावेशित होती है, कुछ इस तरह से, जिसको हम पी रीज़न और एन रीज़न के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये आपका पी रीज़न है, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, एन रीज़न होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इनके बीच की जो बाउंड्री होती है, मतलब पी रीज़न और एन रीज़न के बीच की जो ये परिसीमा, दैट इज़ बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री, इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पी एन जंक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली पी एन जंक्शन का मतलब अगर एक छोटे शब्दों में आप करना चाहें तो क्या बोलेंगे कि पी एन जंक्शन इज़ द बाउंड्री ऑफ द पी रीजन्स एंड एन रीजन्स। एंड पी रीजन्स और एन रीजन्स की अगर बात करें तो पी रीजन्स का, जैसे मैंने कहा कि पी रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे मेजोरिटी में होल्स होते हैं। क्या होते हैं, देर आर द होल्स इन द मेजोरिटी इन द पी रीजन्स एज वेल एज देर इज इलेक्ट्रॉन्स इन मेजोरिटी इन ई रीजन्स। एंड इनका जो ये जंक्शन होता है जिस पॉइंट पे, मीन्स या यही कह लो कि पी रीजन और एन रीजन के बीच की जो ये बाउंड्री होती है, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे की डिवाइसेस में। यहाँ पे देखो एक वर्ड मैंने लिख रखा है जिसको बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेक्शन लेयर। ये डिप्लेक्शन लेयर एक्चुअली में क्या होता है और इसको फॉर्म कैसे करते हैं या फॉर्म क्यों या किस तरह से बनता है। जैसा कि आप जानते हैं डिप्लेक्शन लेयर का बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पी एन जंक्शन के अंदर। जैसा यहाँ पे देख रहे हो, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। पी रीजन्स में बहुत आयत क्या है, आपके क्वार्टर्स हैं, और एन रीजन्स में मोस्टली क्या है, इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशंस है या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसा कि पी रीजन्स और एन रीजन्स में पाए जाने वाले क्रमशः क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पी रीजन से इलेक्ट्रॉन्स और एन रीजन, सॉरी, पी रीजन से होल्स और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड्स मोस्टली इक्वल्स होते हैं, बस फर्क होता है प्लस और माइनस का। ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट से एक दूसरे को नेगलेक्ट करते रहते हैं। जैसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है और अपने अपने कॉम्प्लीमेंट से आकर के एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, इसी प्रक्रिया के पश्चात ये जब प्रोसेस चलता रहता है तो उसी जंक्शन के पास में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है कि उसके पास में एन मींस इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्टर्स आकर के रुकने लगते हैं। ये यूँ कह लो कि इलेक्ट्रॉनों के और क्वार्टर्स के, ये होल्स का जो चलना होता है वो एक क्षण के लिए बाधित हो जाता है, मींस रुक जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्टर्स एक लिमिट ऐसी आती है, एक बैरियर बन जाता है कि जिसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो पी रीजन में एंटर कर पाएंगे और ना ही ये पी रीजन्स के होल्स एंड रीजन में एंटर कर पाएंगे। संधि के आसपास, मींस जंक्शन के पास में एक छोटा सा लेयर्स टाइप का बन जाता है, और इसी लेयर्स को, जिसको क्रॉस करके आपके इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्टर्स या होल्स एक दूसरे के तरफ अब नहीं जा सकते हैं, इसी रीज़न को बोलते हैं डिप्लेक्शन रीजन या अवक्षय परत बोला जाता है। ये जो डिप्लेक्शन लेयर होती है, डिप्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो करीब करीब 10^-6 मीटर की कोटि की होती है, मींस पावर्स की होती है। ठीक है, और डिप्लेक्शन लेयर्स की यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज भी क्रिएट करते हैं, मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज के क्रिएट होने से या जिस वोल्टेज के बाद में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा ट्रेवलेशन नहीं हो सकता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल
बैरियर के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर हिंदी में बोलेंगे। पोटेंशियल बैरियर का मतलब कि इस जब इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स के चलने की वजह से यहाँ पे पी रीजन से एन रीजन से पी रीजन की तरफ एक छोटा सा वोल्टेज क्रिएट होता है और उसी वोल्टेज की वजह से फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। मतलब इसका नाम जैसे कि पोटेंशियल बैरियर है, तो बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, मीन्स जो कि रुकावटें उत्पन्न करता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और एक ऐसा वोल्टेज यहाँ पे इस जंक्शन के आसपास में जनरेट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स एक दूसरे को और कंबाइन नहीं कर पाएंगे, इसी को बोल देते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। और ये जो छोटी सी अप्रॉक्सीमेटली 10^-6 मीटर की ब्रेथ की जो एक लेयर फॉर्म होती है, इसी लेयर्स को हम डिप्लेक्शन लेयर कहते हैं। अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए ये जो आपका पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती है। अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट के रीजंस का यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, लेकिन यही सिलिकॉन के लिए चेंज होकर करीब करीब 0.7 वोल्ट का क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है पोटेंशियल बैरियर। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डिप्लेक्शन लेयर से फॉर्मेशन में पोटेंशियल बैरियर क्या कार्य करता है, तो पोटेंशियल बैरियर का एक ही वर्क है सिंपल सा, कि वो इससे ज़्यादा आगे की इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स के कॉम्बिनेशन को रोकने का काम करता है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। और ये वैल्यू सब्सटेंस सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर चेंज होती रहती है। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये वैल्यू 0.7 वोल्ट हो जाती है, और जिंक की बात करेंगे तो ये वैल्यू 0.3 वोल्ट के अप्रॉक्स होती है। तो इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, मींस पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन इज अ डायोड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हुज वन साइड हैज़ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज वाइल इन अदर डोनर इम्प्योरिटीज, जबकि दूसरे हिस्से में क्या होते हैं उसके डोनर इम्प्योरिटीज का समावेश होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि पीएन जंक्शन डायोड का जो पी रीजन होता है, उस पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बेसिस पे पी रीजन में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही रीजन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक या म्यूचुअली न्यूट्रल की पोजीशंस में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीएन जंक्शन डायोड और डिप्लेक्शन लेयर का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। क्लियर है। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड में हम इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें कि जो विद्युत धारा होती है, मींस इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वैरी करेगा, तो ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हम कोई बैटरी न लगाएं, जो भी हमारा जंक्शन बना है इस पीएन जंक्शन में, अगर हम बैटरी अटैचमेंट नहीं करेंगे तो बैटरी के ना लगने की वजह से इसमें बैटरी अटैचमेंट नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। हालांकि जैसा होता क्या है कि जो थर्मल, एक हिसाब से कह सकते हो यहाँ पे इनकी टेंडेंसीज में क्या होता है, जो मेजॉरिटी टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स का फ्लो होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट, थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं, लेकिन जो रिवर्स बायसिंग की करंट से उत्पन्न हुए, ये माइनॉरिटी चार्ज की करियर से उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विद्युत धारा होती है, उसे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और तभी कहा जाता है कि अगर बैटरी नहीं अटैच है तो बैटरी की अब्सेंस में इस डिप्लेक्शन लेयर या यू कह लो पीएन जंक्शन में कोई भी करंट क्रिएट नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको इसमें करंट का मेजॉरिटी चाहिए, करंट के एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू चाहिए, तो आपको बैटरी अटैच करना पड़ेगा। अब इसमें जब आप बैटरी जोड़ोगे तो बैटरी जोड़ने के दो सिंपल तरीके होते हैं, जिनको हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, ये हम आपको आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एक सबसिक्वेंट के रूप में हम जान लेते हैं बेसिकली कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग होता क्या है। छोटा सा डेमो देख लीजिए, उसके आगे की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका जो बैटरी कनेक्ट करने का तरीका है फॉरवर्ड बायसिंग, उसको देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, ये पी रीजन था और ये एन रीजन था। अगर हम पी रीजन को, ठीक है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक, और
एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस प्रकार की जो बायसिंग होती है ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। और दूसरा टाइप जो होता है इसका, ये रिवर्स बायसिंग होता है। क्या होता है? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग हम कैसे होता है, ठीक उसके उल्टे। अगर बैटरी के पी रीज़न को, इसको पी रीज़न को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में और एन रीज़न को आप बैटरी के पॉजिटिव रीज़न के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो बायसिंग होती है वो रिवर्स बायसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की जो दोनों की वर्किंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है, उसकी बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग अच्छी है या रिवर्स बायसिंग ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, इसका चर्चा हम अगले आने वाली क्लासेस में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए। धन्यवाद।